नमस्कार, न्यूज 19 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ उनके सक्सेना। नजर डालते हैं इस वक्त के सुप्रभात राजस्थान की ओर। जोशीमठ सिर्फ 12 दिन में 5.4 सेंटीमीटर तक धस चुका है। यह खुलासा इसरो ने सैटेलाइट इमेज के जरिए किया। इसे बताया गया है कि 27 दिसंबर से 8 जनवरी 2023 के बीच शहर 5.4 सेंटीमीटर धस गया। इससे पहले भी अप्रैल 2022 से नवंबर 2022 के बीच जोशीमठ 9 सेंटीमीटर नीचे चला गया था। जेडी के पूर्व अध्यक्ष शरद यादव का दिल्ली के एक निजी अस्पताल में निधन हो गया है। उनकी बेटी सुभाषिनी यादव ने रात 11:45 बजे सोशल मीडिया पर उनके निधन की जानकारी दी है। सुभाषिनी ने ट्वीट में लिखा, पापा नहीं रहे। उनकी उम्र 75 साल थी। दिल्ली के छतरपुर में उनके आवास पर पार्थिव शरीर अंतिम दर्शन के लिए रखा गया है। भारत ने श्रीलंका को दूसरे वनडे में 4 विकेट से हराकर 3 मैचों की सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त बना ली। तीसरा और आखिरी वनडे 15 जनवरी को तिरुवनंतपुरम में खेला जाएगा। दूसरे वनडे के दौरान विराट कोहली का बोल्ड, उनका सेलिब्रेशन और उमरान के लिए फैंस की अपील जैसे कई यादगार मोमेंट्स नजर आए हैं। कांग्रेस में नेताओं के बीच जारी सियासी घमासान की गूंज अब फील्ड में भी सुनाई देनी शुरू हो गई है। खाद्य मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने पिछले दिनों सिविल लाइन्स के एक कार्यक्रम में लोगों के सामने खुद के सीएम बनने की संभावनाएं बताते हुए चुनाव जितवाने की अपील की थी और अब खुद ही मुसीबतों में फंसते हुए नजर आ सकते हैं। सुप्रभात, राजस्थान की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल बताइए, बने रहिए न्यूज 19 के साथ। नमस्कार।